कांग्रेसी भी कई रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अभी हमारे नितिन जी कह रहे थे चौकीदार चोर है, ये कौन ने शुरू किया? राहुल गांधी ने। एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया कि कौन है चौकीदार चोर है, कैसे कह रहे हो? तो राहुल बाबा झट पलट गए, यू टर्न मार दिया और कहने लगे चौकीदार चोर नहीं है। और वहां से कई और सभा में गए तो फिर कहने लगे चौकीदार चोर है। अभी राहुल बाबा को पता नहीं क्या हो गया है। हटीला बच्चा अगर कोई गड़बड़ करता है तो जब मम्मी मारने लगती तो कहता नहीं करूंगा। और जैसे ही मम्मी की पकड़ से छूटता तो फिर कहता फिर करूंगा। अजब गजब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है कांग्रेस को, कह लगे सारे मोदी चोर है। आप बताओ कोई समझदार आदमी ऐसे कह सकता है क्या? मैं उपस्थित जनता से पूछना चाहता हूं, समझदार आदमी कोई कह सकता है क्या सारे मोदी चोर हैं? कुछ भी कहो, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। विधानसभा के चुनाव हुए, मां राहुल गांधी, कमलनाथ, पूरी की पूरी कांग्रेस 15 साल से सत्ता में उससे बाहर थे। सोचा इस बार कुछ ऊंचे सपने दिखाने पड़ेंगे, पहुंचे जगह जगह जनता के बीच। राहुल गांधी जी आए, सभाएं की और कहा किसान भाइयों सरकार बनी तो 10 दिन में सबका कर्जा माफ कर देंगे। गिन के बताते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिन में सबका कर्जा माफ, और 10 दिन में माफ नहीं कर पाया मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री को हटा दूंगा 11वें दिन। याद है कहा था कि नहीं कहा था? तो जोर से बोल के बताओ, कहा था कि नहीं कहा था? अब 120 दिन हो गए। बताओ सिंगौड़ी में उपस्थित किसानों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या सबका कर्जा माफ हुआ है? और जोर से बताओ, राहुल गांधी को सुनाई जाए, माफ हुआ है क्या? झूठ छात बोल बाल के किसानों को ठगाए थे। अच्छा राहुल गांधी अभी ढोल पीट रहे पूरे हिंदुस्तान में, मैंने कर्जा माफ कर दिया, 2 घंटे में कर दिया। मैं 14 राज्यों में होकर हूं, मैंने बताया नहीं किया। अच्छा कांग्रेस की बात, कांग्रेस ही काट रही है। राहुल गांधी कह रहे सबका कर दिया, कमलनाथ जी मोबाइल मैसेज कर रहे हैं किसानों को, राम सिंह तेरा कर्जा माफी का आवेदन मिल गया, मैं क्या करूं करता, लेकिन अब चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, अभी नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा, अभी तो फिर वोट देते हैं। 10 दिन का वचन दिया था सबको, और मैं तो छिंदवाड़ा जिले में ही पूछ रहा हूं, अरे भैया कर्जा माफ कैसे होगा? कमलनाथ जी हम बता देते, हमसे पूछ लो, किसानों ने जिनसे कर्जा लिया है उनको सरकार भर दे, बैंकों से लिया बैंकों को सरकार भर दे किसान के बजाय, तो कर्जा माफ हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बात करने आए, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन कर्जा माफ करने के लिए पैसा सरकार को भरना पड़ेगा। अब कर्जा है 48,000 करोड़ का, बजट में प्रावधान किया 5,000 करोड़, बैंकों को दिए 1,300 करोड़। अब 1,300 करोड़ में 48,000 करोड़ कैसे माफ होगा? पैसा ना धेला सिंगौड़ी का मेला। बात कर रहे हैं कर्जा माफ, कितने झूठ बोलोगे कांग्रेस के मित्रों?
अब फिर और राहुल बाबा कह रहे हैं लोकसभा में जिता दो गरीबों के खाते में पैसा डाल देंगे। क्या जलेबी लटका दी ऊपर, खा लो खा लो खा लो। अरे हमने पुण्य कहां से भरोगे बताओ, गरीब के खाते में हर महीना कहां से पैसा डालोगे। तो राहुल गांधी का जवाब सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि अनिल अंबानी की जेब में से निकालूंगा और गरीबों के खाते में डाल दूंगा। बताओ ऐसा होता है कभी? अरे जोर से बताओ, होता है क्या? बच्चा समझ रखा है, कुछ भी कह दो, मुझे बेटा बेटियों की फीस भरवानी है, मुझसे पूछे कहां से करोगे, मैं तो बेटा तनख्वाह के हाथ जेब में हाथ डाल के करवा दूंगा। मूर्ख समझते हैं जनता को। कांग्रेस झूठ के रिकॉर्ड तोड़ रही है, कितने रंगीन वादे किए, कैसे सपने दिखाए, क्या सरकार बनने दो, हर नौजवान के खाते में 4,000 रुपया महीना आएंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं आज फिर सिंगोड़ी में पूछ रहा हूं, किसी को मिले 4,000 रुपया महीना? 4,000 रुपया महीना का वचन दिया, वो 4,000 का पता नहीं है। राहुल जी तो कहते थे मोबाइल बनाने की फैक्ट्री खुलवाऊंगा, उसमें रोजगार लगवाऊंगा, नए नए रोजगार ढूंढेंगे। कमलनाथ जी से हमने पूछा कौन सा रोजगार दे रहे हो भाई, बहुत शानदार रोजगार ढूंढ के लाए। हमने कहा क्या? बोले ढोर चराने की पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर ढोर चरवाएंगे।